दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक आवाजों की कहानी में, जिसमें आज हम जानेंगे तरह तरह की अतरंगी स्कीमें। तो चलिए जानते हैं हमारे ही कुछ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों की आवाज में कि कैसे वो परेशान हैं अपनी ही इन स्कीमों से। हे बाबू भैया, मैं एक बहुत बढ़िया स्कीम लेके आया हूँ। रे बाबा, मेरे को स्कीम के चक्कर में अब फंसने का ही नहीं है। मेरे से ये कुछ नहीं होएगा, स्कीम वगैरह का चक्कर। मेरा बॉडी डबल लेके जाओ, पहले हेरा फेरी एक, हेरा फेरी दो, नहीं बाबा तीसरे में मेरे को फंसने का ही नहीं है। बाबू भैया, बाबू भैया देखो, ये राजू हमको रोड पे ला के छोड़ेगा, मैं पहले ही कह देता। अबे तेरी ये कुछ नहीं है, तेरी अनुराधा का करा धरा है जो उसने यहाँ पे हमें ला के छोड़ दिया है, अब तू ही देख ले। बाबू भैया, मेरी अनुराधा कुछ नहीं कर सकती। बाबू भैया वो बहुत समझदार है। जवा 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 रे बाबा, क्लियर बोल, मुंह से थूबा ही निकाल के बात कर रहे बाबा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, जल्दी बोल जल्दी बोल। कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा है, नीचे सबटाइटल्स नहीं आ रहा ना रे बाबा। नहीं बाबा कुछ क्लियर बोल। अरे बाबू भैया, ये इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये गूंगा है। जमाइला गूंगा? रे बाबा भाई, आप कल आना, आप कल आना, ना दो के मत संडे को आ। हाँ फोन आ रहा है, करोड़पति बनने की स्कीम आ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हेलो, हाँ नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं बोल रहा हूँ अमिताभ बच्चन KBR से, कौन बनेगा रोडपति? बाबू भैया एक मिनट, अमिताभ जी एक मिनट। बाबू भैया एक नंबर की स्कीम मिली है, कौन बनेगा रोडपति? जमाइला करोड़पति को रोडपति बनाने का बात कर रहे। देखो आपने को कुछ नहीं पता, आपको रोडपति ज्यादा बड़ा होता है। हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं राजू, मेरे को स्कीम का बहुत शौक है, हाँ मेरे को बताओ। हाँ तो हम, हाँ जी तो देवी और सज्जनों हम, अरे सुन लिया मैंने, आप देख अमिताभ बच्चन बोल रहे, अमिताभ बच्चन बोल रहे, आगे बोली आगे, उसके आगे का, उसके आगे का कुछ, उसके आगे का। हाँ किस दिन में पैसा डबल? जमाइला इसमें दोबारा नहीं फंसेगा रे, मैं रख अभी फोन रख, अभी रख। अरे बाबू भैया रुक जाओ अभी नहीं, रुक जाओ। हाँ जी अमिताभ जी बोलिए। हाँ 100 रुपए की धनराशि का एक काम करो, 100 नंबर मिला रहा हूं और उस पे उठा के भाई पे चले जाओ, 100 नंबर मिला रहा हूं, रखो फोन। नेक्स्ट। रे बेटा, अरे मामा आप, अरे क्या हुआ? बेटा आज के दिन जिंदगी में किसी के ऊपर भरोसा करने का ईच नहीं है, कोई भी भरोसे वाला कभी भी दगाबाजी कर सकता है, ये बात लिख के ले। हाँ सही बात है मामा, अनुराधा को ही देख लो, करके गई ना 1 करोड़ का घप। बहू भैया ये तो चुप रे, करके गई ना वो 1 करोड़ का घपला, पार अंधा होता है, पागल होता है, गूंगा लैंग लंगड़ा तोरी ना होता है, करके गई 1 करोड़ का घपला, तू कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठ और बोल। हाँ क्या हो गया मामा जी? अरे बेटे कछुए की औलाद 20 की स्पीड पे चला रहा था टैक्सी, मैंने बोला मेरे को दे तू हट, अब उससे पैसे लेके आ नीचे खड़ा। अरे बाबा मस्त स्कीम है, ये तो सही है, खुद ही टैक्सी चला के आ जाओ, खुद ही घर आ जाओ, पैसे भी उसी से ले लो। रे बेटा अब ये स्कीम वगैरह का चक्कर तू भी छोड़ दे और सीधी सी बात धंधे में लग। और भाई तुम सब भी सुन लो मेरी बात, जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हैं, मिमिक्री है गजल नहीं। चलो भाई बहुत हुआ, थैंक यू।